हम सभी को पता है कि इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस कांग्रेस में डेलिब्रेशन होगा। पर मैं ऐसा मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज का दिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की प्रतिमा के रूप में जिनको देखा जाता है, ऐसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी आज जन्म जयंती है। मैं उनको भी आज के इस मौके पर नमन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं उस तक पहुंचना है, तो उसका माध्यम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन के कारण सस्टेनेबिलिटी की खोज कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तित्व पर एक संकट है, हमारे कृषि के सामने, हमारे पर्यावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और विशेष रूप से जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको उपयोग करने के लिए हम संसाधनों को छोड़े न कि उनके सारे संसाधन हम ही अभी इस्तेमाल कर ले और उनके लिए एक बहुत ही खराब दुनिया हम लोग छोड़े। इसलिए भविष्य का विचार करते हुए हम लोग जब संसाधनों के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही वो ताकत है कि जिसके कारण हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं।